हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 आईसीएसई से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। अब वो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर ट्रायंगल्स है, एक्चुअल में ये है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब आपको ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। इसी तरह से एक और चीज होती है जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले मैं आपको अंतर बताता हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में अंतर क्या है, और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ये जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन करने में आपको काफी आसानी रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल का नाम लिया मान लीजिए मैंने एबीसी। ठीक, एक और ट्रायंगल बनाया और मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं कि दोनों का शेप और साइज सेम रहे। ठीक है, उसका नाम मान लीजिए मैंने ले लिया पीक्यूआर। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों ट्रायंगलों का शेप और साइज एग्जैक्ट सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब यह हुआ, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। और इसको लिखते हैं कैसे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये तो लिखने का तरीका हो गया। और इससे हमें क्या पता चला, पहले ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। मतलब अगर इस ट्राइंगल की ए बी साइड दी है तो इसकी पी क्यू साइड बराबर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये चीज आप यहां से भी चेक कर सकते हो, ए बी PQ। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल की BC साइड ली है तो यहां QR बराबर, देखो BC QR, BC QR। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल की AC साइड ली है तो वो PR के बराबर, यहां चेक करो AC PR, AC इज इक्वल टू PR, कुछ इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से क्योंकि ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल के सारे एंगल इस ट्राइंगल के सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर। मतलब एंगल ए एंगल पी बराबर, एंगल बी एंगल क्यू बराबर, एंगल सी एंगल आर बराबर। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर। और इसके लिए रीजन क्या लिखते हैं, जब आप साइड को बराबर करते हो या एंगल्स को बराबर करते हो, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये बात रही कॉन्ग्रुएंसी की, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब एक चीज और जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी क्या चीज है, होंगे तो वहां पर भी दो ट्राइंगल, मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी और एक और ट्राइंगल होगा पीक्यूआर। जरा ध्यान से देखो, आप कह सकते हो कि दोनों हैं तो ट्राइंगल सेम शेप वाले, लेकिन दोनों का साइज चेक करो, जी हाँ डिफर कर रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज एक जैसा होता है, सिमिलैरिटी में शेप तो ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल ही बनेंगे, लेकिन जो साइज है वो हमेशा डिफर करेगा। और अगर साइज डिफर करे शेप सेम हो तो दे आर सेट टू बी एज सिमिलर ट्राइंगल। और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये है सिमिलैरिटी का साइन, जबकि ये है आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, लेकिन अगर ट्राइंगल सिमिलर है आपस में तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। प्रोपोर्शनल मतलब एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर, बीसी अपॉन क्यूआर, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर। तो कह सकते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लेकिन एंगल बराबर रहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वाले। वो कैसे, जैसे बिल्कुल
यहां पर थे, किस तरह से एंगल ए एंगल पी बराबर, एंगल बी एंगल क्यू बराबर, एंगल सी एंगल आर बराबर। लेकिन हमारा चैप्टर सिमिलैरिटी पर बेस्ड नहीं है, हमारा चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है। अब किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के टोटल पांच तरीके होते हैं, बताता हूं क्या, एक दो तीन चार और पांच। मतलब एक तरह से पांच एक्सियम है मेरे पास ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। और वो एक्सियम कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर तो आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा हो तो भी आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एंगल एंगल साइड, जी हाँ दो एंगल के जस्ट बाद एक साइड आए तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में साइड आए तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और आखिरी है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी वन साइड। तो ये पांच तरीकों से आप दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। अब एक देखने वाली चीज ये है AAS और ASA में दो एंगल और एक साइड है, तो कंफ्यूजन ये होता है कि दो एंगल एक साइड है, यहां भी दो एंगल एक साइड है, तो हमें कैसे पता चलेगी कि दो एंगल और एक साइड में ASA लगाना है या AAS लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर AAS लगाना है तो कॉन्ग्रुएंसी करते समय दो एंगल के बाद आपकी साइड आनी चाहिए, और अगर ASA लगाना है तो दो एंगल के बीच में आपकी साइड आनी चाहिए। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज से तो ये वाली बात आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक्सरसाइज में दो ट्रायंगल मिलेंगे और उन दोनों ट्रायंगलों में आपको दो साइड या दो से ज्यादा साइड, दो एंगल्स या उससे ज्यादा एंगल बराबर करने के लिए आएगा। अब दिक्कत ये है, साइड्स को बराबर करने का और एंगल को बराबर प्रूव करने का कोई मेथड नहीं होगा, तो फिर आप कैसे ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स बराबर करोगे? तो नियम ये कहता है वो एंगल्स या वो साइड जो आपको बराबर प्रूव करनी है, चेक करिए किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कीजिए इन पांच में से किसी एक तरीके से। जैसे आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया तो आपकी वो दोनों साइड्स जो आपको बराबर प्रूफ करनी है या वो दोनों एंगल्स जो आपको बराबर प्रूफ करने हैं क्वेश्चन में, अपने आप बराबर हो जाएंगे बाय द रीजन सीपीसीडी। ध्यान इस चीज पर रखना है कि आपको जो साइड्स और एंगल बराबर करने हैं वो किस दो ट्राइंगल में आ रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी लगाकर, और साइड्स और एंगल को बराबर कर दीजिए डायरेक्टली लिखकर सीपीसीडी, बात बन जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और जो भी आपको छोटे मोटे डाउट होंगे वो उस एक्सरसाइज में करते समय और क्लियर अच्छे से कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपनी बुक से पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरपीक्यू। मतलब दो ट्रायंगल दिए आपको, चलो मैं बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल दिया है आपको ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दिया है आर पी क्यू। ध्यान रखिएगा, नाम का बहुत ध्यान रखना है, आर पी क्यू, और दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये क्वेश्चन भी गिवन है तो देखिए मुझे यहां से क्या पता चल गया। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या पॉइंट करना है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से आपको क्या पता चला। मैंने क्या बताया था शुरू में, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। ध्यान से देखो, ए बी और आर पी बराबर, और ये बात इस नाम से भी जज हो सकता है। देखो ए बी आर पी, तो पहले पता चल गया ए बी आर पी के बराबर है। और देखिए बी सी पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। यहां देखिए बी सी पी क्यू, ये ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ट्रायंगल का नाम लिखा जा रहा है, ऑर्डर जिस तरह मैं बना रहा हूं मैं एरोस बना बना के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए ए सी, तो यहां आर क्यू को चेक करो, ए सी
आर क्यू, ए सी और आर क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर, मतलब ए बराबर आर, एंगल ए एंगल आर बराबर, बी बराबर पी एंगल बी बराबर एंगल पी, सी बराबर क्यू एंगल सी बराबर एंगल क्यू, और ये सब इसलिए बराबर, दोनों की बात कर रहा हूं, रीजन था सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है, कह रहा है इज इट ट्रू टू से दैट बीसी इज इक्वल टू क्यूआर, तो चेक करो बीसी किसके बराबर है, वो तो पीक्यू के बराबर है, और जबकि हमसे क्या कह रहा है, क्या बीसी क्यूआर के बराबर है, तो जवाब हमारा क्या होगा, नो बीसी इज नॉट इक्वल टू क्यूआर, एक्चुअल में बीसी किसके बराबर है, बीसी तो पीक्यू के बराबर है, हमारा आंसर फिनिश हो गया। हमेशा ध्यान रखें जिस तरह से ट्रायंगल का नाम दिया है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप बराबर रखिए, उस नियम के हिसाब से बीसी पीक्यू के बराबर होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है क्या बीसी क्यूआर के बराबर है, तो जवाब हो गया नो, बीसी जो है वो पीक्यू के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, मैं अपने बुक से पढ़ता हूं। कह रहा है इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब दो साइड एक एंगल किसी एक ट्रायंगल का बराबर है, दो दूसरी साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का, इस तरह से बराबर है, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है इज द स्टेटमेंट ट्रू और व्हाई। पक्की बात है, चेक करिए कि एस एस ए कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, तो चेक करो मैंने आपको 5 लिखवाए थे एस एस एस, मैंने आपको लिखवाया था ए ए एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस, तो चेक करो एस एस ए तो मैंने आपको कोई लिखवाया ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसका मतलब ये हुआ कि दो साइड और एंगल अगर इस ऑर्डर में हो साइड साइड एंगल के फॉर्म में, तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इन प्रॉपर्टी को अगर दूसरी तरीके से अरेंज करके हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी, तो देखो अगर ये दो साइड और एंगल ना होकर साइड एंगल साइड, मतलब एंगल दो साइड के बीच में होता, तो चेक करो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंसी हो सकती थी, लेकिन एस एस ए के द्वारा कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। जवाब हो गया, क्वेश्चन लिखा है ना कि इज द स्टेटमेंट ट्रू, तो जवाब है नो, क्योंकि एस एस ए कोई कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम या कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बुक से पढ़ता हूं। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो देखो फिगर तो मैंने आपके लिए बना दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि AB इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AQ, तो चलो पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, ठीक है, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर देखो मुझे क्या गिवन है, एक तो मुझे गिवन है कि AB AC के बराबर है, AB जो है मतलब ये पूरा जो AB है वो पूरा AC के बराबर है, ध्यान रखिएगा पूरे साइड AB और AC की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या गिवन है, देखो AP AQ के बराबर है, ओके सिर्फ इतना सा हिस्सा AP और इतना सा हिस्सा AQ भी आपस में बराबर है, वो भी लिखिए AP is equal to AQ, मतलब दो आपको साइड जैसी चीज बराबर दी। फिर टू प्रूफ, अब चेक करिए गिवन के बाद आता है टू प्रूफ कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करके लाना है, क्या चीज प्रूफ करनी है क्वेश्चन में, तो ठीक है क्वेश्चन में देखते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, तो पहला है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB के, ठीक है। फिर दूसरा प्रूफ कर रहे हैं CP इज इक्वल टू BQ, ये दूसरा प्रूफ है, और तीसरा पार्ट जो हमें इसका प्रूफ करना है वो है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AQB, ठीक है। जरा एक काम करते हैं, ये एंगल ABC और AQB को कुछ नाम दे देते हैं, कैसे ABC तो चेक करो ये एंगल है इसको 1 बोल देते हैं और AQB इसको एंगल 2 बोल देते हैं, तो मुझे क्या प्रूफ करना है 1 इज इक्वल टू 2, ये थोड़ा समझना आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। अब शुरू में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, दो साइड या दो एंगल बराबर करने का कोई तरीका नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्टली
साइड्स और एंगल्स को बराबर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये साइड या ये एंगल जिन दो ट्राइंगल में आ रहे हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो और डायरेक्टली साइड्स को और एंगल्स को बराबर लिख दो सीबीसीडी लिख कर। तो चेक करो, ये जो पहला आपको पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ये साइड और एंगल तो नहीं आ रहे? चेक कर लेते हैं, सीपी और बीक्यू, चेक करो सीपी बीक्यू बिल्कुल आ रहे हैं। मतलब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दो साइड अपने आप बराबर हो जाएंगे। चेक करो वन और टू इसी ट्राइंगल के अंदर तो नहीं आ रहे? तो एपीसी, जी हाँ एपीसी में एंगल बन रहा है और ए क्यू बी में एंगल टू आ रहा है। तो जी हाँ, अगर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया इस तरह कॉन्ग्रुएंसी का तो सेकंड और थर्ड तो अपने आप ही प्रूव हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ। जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना होता है पहले हम दोनों ट्राइंगलों का नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी और तीन चीजें ढूंढते हैं जिससे कि हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर सकें। तो चलो कुछ चीजें तो हो सकता है हमें क्वेश्चन में ही गिवन हो, कुछ हमें ढूंढनी पड़े, ठीक है। चेक करते हैं, AB is equal to AC गिवन है, कहीं ये AB और AC मेरी उन दोनों ट्राइंगलों की साइड तो नहीं है? वो देखो यहां से नाम में पता चल जाएगा AB AC, बिल्कुल AB is equal to AC इन्हीं दो ट्राइंगलों की साइड है। और रीजन क्या लिखेंगे? ये हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये साइड आपस में बराबर है। नेक्स्ट AP और AQ, चेक करो AP और AQ, हाँ जी ये भी उन्हीं दो ट्राइंगलों की साइड है जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो AP is equal to AQ और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे आप? रीजन लिखेंगे गिवन। अब एक तीसरी चीज ढूंढनी है, चलो फिगर देखते हैं। ट्राइंगल ABQ में आपके पास पूरी AB बराबर है, AQ बराबर है, चेक करो एंगल A दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, तो क्या दोनों ही ट्राइंगल में एंगल A कॉमन हो सकता है? चेक करते हैं APC, APC, APC में भी एंगल A आ रहा है, AQB, AQ में भी एंगल A आ रहा है, तो हाँ आप लिख सकते हो एंगल A is equal to एंगल A कॉमन। एक चीज है कि आपको तीन चीजें मिल तो गई, अब आपको तीन चीजें तो मिल गई लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा वो चेक करते हैं। उसके लिए क्या करिए, एक सिंगल ट्राइंगल का फिगर बना लीजिए, चेक करिए APC या AQB किसी भी ट्राइंगल का फिगर बनाइए, बहुत आसान तरीका है समझने का। देखिए A P और C का मैंने फिगर बनाया, मैंने AP को बराबर लिया है, मैंने AC को बराबर लिया है और मैंने एंगल A को बराबर लिया। चेक करो AP को बराबर लिया है, AC को भी बराबर लिया है और मैंने एंगल A को भी बराबर लिया है। और एक ट्राइंगल में ये देखो ऑर्डर कैसे बैठ रहा है, साइड एंगल और साइड। तो ट्राइंगल क्या हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB और हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। हमेशा ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी रूल को चेक करने के लिए आपको एक ट्राइंगल रफ में बना लो और जो जो चीजें आपने लिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने फिगर में मार्क कर लो और चेक करो कौन से ऑर्डर से बात बन रही है। तो पता चला साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो सीपी बराबर बीक्यू, चेक करो सीपी बीक्यू, बिल्कुल सीपी बराबर बीक्यू। रीजन क्या आएगा, सीपी सीटी corresponding parts of congruent triangles, angle one angle two, जी हाँ APC में angle बना रहा है, AQB में angle two आ रहा है, यही दोनों आपने congruent किए हैं, तो one बराबर two, reason इसका भी CPC थी, तो ये लिखे, अगर triangle congruent हुआ, तो corresponding side और corresponding angle अपने आप बराबर हो गए, question आपका finish हो गया। ध्यान इस चीज पर रखना है, जब आपने triangle congruent करना है तो उससे जुड़ी तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, कुछ चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी कुछ आपको ढूंढनी होंगी। वो तीन चीजों का किसी एक ट्राइंगल में ऑर्डर चेक करना है जिससे कि आप कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा रहे हो ये पता चल जाए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया फिर उससे जुड़ी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर लिखना है और सीबीसी लिखना है।
क्वेश्चन फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, मैं क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर मैंने आपको बना दिया है, और एक चीज देखो, फिगर में कुछ हिस्सा आपको डॉटेड दिख रहा है, ये डॉटेड ये डिनोट करता है कि एग्जाम में ये डॉटेड हिस्सा आपको बन के नहीं आएगा। डॉटेड का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन आपको खुद करना है एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर समझाया जा रहा है तो उन्होंने आपको डॉटेड हिस्सा बना के दे दिया है, एग्जाम में नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन आपको खुद करना है, ठीक है। आगे देखिए, AB इज इक्वल टू AC, ओके, ये जो AB है ये AC के बराबर है, ये गिवन वाला पार्ट है, अभी हम गिवन में लिखेंगे इसे। P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ द साइड BA एंड CA, ओके, ठीक है, और सच दैट AP बराबर AQ, और ये जो AP है ये AQ के बराबर है। चलिए पहले गिवन लिखते हैं, गिवन तो हमें दिया हुआ है कि AB is equal to AC, हमें दिया हुआ है AB is equal to AQ, ये हमें गिवन है। चेक कर लेते हैं कुछ और गिवन हो तो, नहीं कुछ और गिवन नहीं है। अब है टू प्रूफ, तो चलिए टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या है हमारे पास, कि ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। तो पहला है ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, मतलब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, पांच में से किसी एक एग्जाम्पल लगाकर। फिर नेक्स्ट है CP इज इक्वल टू BQ, CP इज इक्वल टू BQ, और एंगल ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABQ। तो चेक कर लेते हैं, इनका नाम डाल लेते हैं, ACP, तो ACP, ओके, ये एंगल 1 और ABQ, ABQ, ओके, ये एंगल 2, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। बात फिर से वही आ गई, दो साइड प्रूव करनी है, दो एंगल प्रूव करने, साइड और एंगल प्रूव करने का तो कोई तरीका है ही नहीं। तो चेक करो, ये जो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दिया हुआ है, इसी में तो ये दोनों साइड और दोनों एंगल नहीं आ रहे, 100% आ रहे होंगे। तो बस आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, पांच में से कोई एक एग्जाम लगाकर और इन दोनों को बराबर लिख देना है सीधे सीधे लिखकर। तो चलिए नेक्स्ट है प्रूफ। प्रूफ में जिन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। तो ट्राइंगल हमारे पास ABC एंड ट्राइंगल AQB, और चेक करिए कौन सी तीन चीजें हमारे पास है जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। हो सकता है कुछ चीजें क्वेश्चन में ही गिवन हो, कुछ आपको खुद ढूंढनी पड़े। तो ट्राइंगल नंबर एबीसी, ABC और AQB, ठीक है। तो चेक करो AB AC जो बराबर दिया हुआ है, इन्हीं दो ट्राइंगलों की साइड तो नहीं है, वो यहां से पता चल जाएगा। तो AB और AC, हाँ जी बिल्कुल, तो AB is equal to AC, एक चीज तो मिल गई, AB is equal to AQ, ये भी गिवन है। चेक करो AB इन्हीं दो ट्राइंगलों की साइड तो नहीं बन रही, AB और AQ, तो AB और AQ बिल्कुल बन रही है, AP is equal to AQ, मतलब दो चीजें तो मिल गई। चलो फिगर देखते हैं, हमें क्या मिल गया, AB और AC बराबर मिल गया और AQ और AP बराबर मिल गया। तो चेक करो ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो कैसे, देखो बिल्कुल एक क्रॉस बन रहा है ना, QC और PB, देखो जरा QC और PB एक क्रॉस पर आ रहे हैं, तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये आपस में बराबर हैं, रीजन होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इन दोनों के लिए क्या रीजन लिखना था आपको, गिवन और गिवन। अब देखो ध्यान से, तीन चीजें तो मिल गई, एक ट्राइंगल में, किसी एक ट्राइंगल में इन तीनों का ऑर्डर चेक करना है। तो ट्राइंगल कोई सा भी ले लो, ABC ले लो या AQB ले लो, तो ABC, चलो ABC ले लेते हैं, ये लीजिए। तो हमने AP को लिया है, हमने एंगल 4 को लिया है और हमने AC को लिया है। तो चेक करो, एक ये साइड लिए, फिर एक एंगल लिया और एक साइड लिए, तो आपको लग रहा है कि यहां पर कोई रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड, बिल्कुल ऐसा कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे पास होता है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और रीजन हो गया
साइड एंगल साइड। अब ये जो CP और BQ है इसी दो ट्राइंगल की साइड तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। CP, CP और BQ, नाम तो ऑर्डर में बिल्कुल ठीक ही बैठा है, तो CP is equal to BQ, रीजन CPCD। 1 is equal to 2, चेक करिए इसी दो ट्राइंगल के एंगल तो नहीं है, तो ABQ में 2 आ रहा है, ACP में 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक, 1 बराबर 2, रीजन CPCD। ये लिखे, क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन में बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही था, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया तीन चीजों को यूज करके, उसमें से दो चीजें मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, एक मुझे एंगल ढूंढना पड़ा। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो चीजें ना मिले, आपको खुद ढूंढनी पड़े, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर रहेगा, आगे आने वाले क्वेश्चनों में ये भी बात समझ में आ जाएगी। फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वो ट्रायंगल कौन से एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, उसके एक ट्रायंगल बना के आप चेक कर लो कि आपने कौन सी साइड है, कौन सा एंगल लिया है, जिसका क्या ऑर्डर बन रहा है ट्रायंगल के अंदर, ऐसे एस बन रहा है, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। फिर वो साइड या वो एंगल जो आपको बराबर प्रूफ करने हैं, वो उन्हीं दो ट्रायंगलों की साइड या एंगल तो नहीं है, बिल्कुल होंगे, आप उनके आगे सीपीसीडी लिख दिया, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन तो अपनी बुक से पढ़ रहा हूं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिर से मैंने फिगर आपके ये बना दिया है, क्या क्या गिवन है, AD is equal to BC, AD और BC बराबर है, ये अभी हमें गिवन वाले कॉलम में लिखूंगा, और दिया हुआ है BD is equal to AC, ओके, ये जो BD है वो उस पूरे AC के बराबर है। चलिए पहले वही लिखते हैं, गिवन, तो गिवन है मेरे पास ये जो AD है ये BC के बराबर है, और एक और चीज गिवन है कि ये जो BD है, ये जो BD है वो मेरे AC के बराबर है, ये दोनों चीजें गिवन है। और कुछ गिवन है तो देखते हैं, नहीं गिवन तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आएगा टू प्रूव, कि मुझे क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, तो देखो प्रूफ करना है एंगल ADB, ADB, ओके, ये एंगल 1 की बात हो रही है, बराबर है BCA के, BCA के, इस एंगल 2 की बात हो रही है, मतलब पहला प्रूफ करना है कि 1 बराबर 2। एक प्रूफ और भी है, एंगल DAB, DAB, ओके, पूरे एंगल की बात चल रही है, तो इसको मैं मान लो 3 मान लेता हूं, और CBA, CBA, ओके, ये पूरा एंगल 4 मान लेता हूं, एक 3 बराबर 4 भी प्रूफ करना है। इस बार आपको प्रूफ करने के लिए कोई साइड नहीं है, सिर्फ दो एंगल्स हैं, तो चेक करो ये दो एंगल, तो ऑब्वियसली बात है आप बराबर किसी तरीके से कर ही नहीं पाओगे, कोई फॉर्मूला ही नहीं होगा। चेक करो ये दोनों एंगल जिन दो ट्रायंगल में आ रहे हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट करने का कोई तरीका है, तो पहले चेक करते हैं वो दोनों ट्रायंगल कौन से हैं जिसमें एंगल 1 भी आ जाए और एंगल 3 भी आ जाए। तो चेक करो DAB में 1 और 3 दोनों आ रहे हैं, इसी तरह से CBA में 2 और 4 दोनों आ रहे हैं, बस बात बन जाएगी आपकी। तो प्रूफ लिखा पहले आपने, मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपको ऐसे दो ट्रायंगल चुनने हैं जिसमें ये सारे एंगल मौजूद हो, दो एक ट्रायंगल में, दो एक ट्रायंगल में, ठीक है। तो देखो DEB, ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल, अब याद रखना आपने DAB बोला है ना, तो आपको CBA ही लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप नाम बोलते ADB, तो फिर आप कैसे लिखते, BCA। नाम का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में ट्रायंगल प्रूव करने के लिए नाम का ऑर्डर दिया है तो वही ऑर्डर लेना। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट कौन सा करना है पता ही नहीं है, आपको खुद नाम का ऑर्डर लेना है, तो नाम का ऑर्डर जो इस तरफ लोगे वही उस तरफ लेना पड़ेगा। कैसे, फिर से देखो मैं कैसे ले रहा हूं, DAB आप बोलोगे दूसरे के लिए CBA, तो DAB, DAB, तो उधर हो गया ट्रायंगल CBA। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नाम का ऑर्डर आपने गलत चूज कर दिया तो आंसर गलत ही आएगा, करके दिखाऊंगा मैं। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, तो चेक करो कुछ चीजें हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन ना हो, ठीक है, हमें गिवन है AD BC के बराबर है, तो ये AD और BC इन्हीं दो ट्रायंगलों की साइड तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, AD और BC बिल्कुल इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं AD is equal to BC, और रीजन क्या लिखेंगे, क्यों बराबर है, गिवन क्वेश्चन में हमें गिवन है। BD बराबर AC, चेक करो नाम फिर से यहां पर, BD और AC, हाँ बिल्कुल,
जो ये दो साइड गिवन है एक्चुअल में इसी ट्रायंगल की दो साइड है जो हमें कॉन्फर्म कर रही है। तो ठीक है, हमने लिखा BD is equal to AC और रीजन क्या डाला गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन अभी तीसरी चीज ढूंढने के लिए रह गई है। तो देखो क्या क्या चीज पता चल गई, AD और BC पता चल गई, BD और AC पता चल गई। जरा चेक करना ये जो AB साइड है कहीं दोनों ट्राइंगलों में कॉमन तो नहीं है, यहां से पता चल जाएगा। देखो AB और BA, अब देखो आगे नहीं कर पड़ AB और AB कॉमन आ रहा है लेकिन नाम के ऑर्डर में AB और BA लिख के आ रहा है। फिर से चेक करते हैं AB, और यहां अगर ऐसे लिया है तो यहां पर भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, तो यहां AB नहीं आ रहा BA आ रहा है। तो AB is equal to BA, देखो AB और BA होती एक ही बात है लेकिन आप इसे AB is equal to AB नहीं लिख सकते, यही नाम के ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं आपसे। अगर AB आ रहा है तो यहां BA लिखा आ रहा है तो BA ही लिखना पड़ेगा, और रीजन क्या आ जाएगा कॉमन। लेकिन अगर आपने गलती से AB बराबर AB लिख दिया कॉमन तो ये गलत माना जाएगा। अब तीन चीजें तो मिल गई, एक ट्रायंगल में चेक करो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है। वैसे यहां को चेक करने की जरूरत नहीं है, साइड 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 तीनों साइड ही है, ठीक है। फिर भी आप अगर चेक करना चाहो तो एक ट्रायंगल ले लो DAB वाला ले लो, साइड ही साइड ही और साइड ही, तो ट्रायंगल DAB congruent to triangle CBA by side 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 SSS axiom या फिर SSS congruency rule। ट्रायंगल congruent हो गया तो 1 is equal to 2, इसी ट्रायंगल के दो एंगल थे CPCT के वजह से बराबर। 3 is equal to 4, इसी ट्रायंगल के दो एंगल है CPCT के वजह से वो भी बराबर। ये देखिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ता हूं। इन द जॉइनिंग फिगर, तो फिगर तो मैंने आपको बना दिया है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच एडी इज इक्वल टू बीसी। ओके, एडी और बीसी बराबर दिए हैं तो ये गिवन वाले कॉलम में आएगा। फिर कह रहा है एंगल डीएबी, डीएबी ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को मैं 1 और 2 की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब 1 प्लस 2 डायरेक्टली बराबर दिया है किसके, मुझे CBA के, CBA इसको मैं 3 और इसको 4 लिख देता हूं। मतलब कुछ इस तरह से गिवन है, पहले चेक करिए जरा, गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पहला क्या गिवन है अपने को कि ये जो AD है A to BC के बराबर है, AD BC के बराबर है और पूरा एंगल 1 प्लस 2, मतलब ये पूरा जो एंगल 1 प्लस 2 है ये पूरा 3 प्लस 4 के बराबर है। मतलब मैंने इसको दो एंगल में तोड़ लिया, इसको भी दो एंगल में तोड़ लिया, इसका फायदा आपको आगे दिखाई देगा अभी और प्रूफ करना है। तो लिखते हैं टू प्रूफ, टू प्रूफ। तो पहला है कि ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के, और क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है आपको BD is equal to AC, ये तो दो साइड है जिसको मेरे ख्याल से इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके सिर्फ डायरेक्टली CPCT से एक बात बन जाएगी, फिर भी देखेंगे। और एंगल ABD चेक करिए, एंगल ABD मतलब अकेले एंगल तीन की बात कर रहा है, तीन बराबर है BAC, BAC मतलब एंगल 2 के, इसलिए मैंने उस एंगल को दो एंगल में डिवाइड किया था क्योंकि इंडिविजुअली तीन और दो को आपस में बराबर करना है, ठीक है। आप चेक करते हैं BD equal to AC और 3 is equal to 2, ये तो ट्रायंगल की साइड और एंगल है, तो बस इस मेन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, फिर चेक कर लेंगे ये दोनों उसी के अंदर आ रहे हैं 100% आएंगे। चलिए प्रूफ करते हैं, पहले जिन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है पहले उनका नाम लिखिए। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्राइंगल बी ए सी, चेक करिए तीन चीजें ढूंढनी है, कुछ चीजें हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, कुछ आपको क्वेश्चन से ढूंढनी पड़े। तो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं, एडी इक्वल टू बी सी, चेक करिए एडी बी सी, बिल्कुल एडी इज इक्वल टू बी सी, उसी दो ट्राइंगल की साइड ही है, आपने लिख दिया गिवन 1 प्लस 2 3 प्लस 4। तो चेक करो एबीडी, ABD में, ABD में पूरा 1 प्लस 2 आ रहा है और BAC में, BAC में पूरा 3 प्लस 4 आ रहा है। तो देखेंगे 1 प्लस 2 जो है पूरा 3 प्लस 4 के बराबर है,
ये लीजिए, ये भी गिवन आ गए, दो चीजें तो मिल गई, एक लगता है ढूंढनी पड़ेगी। एबी और एबी चेक करना ट्राइंगल में कॉमन तो नहीं है, चेक करो एबी बस नाम का ऑर्डर बीए लिखना है, हाँ बिल्कुल दोनों में कॉमन है, तो एबी इज इक्वल टू बीए, रीजन क्या आएगा कॉमन। अब तीन चीजें तो मिल गई, चेक करो एक ट्राइंगल में इनका ऑर्डर कैसे बैठ रहा है, उसके लिए क्या करते हैं ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं एबीडी, तो एबीडी ये एबीडी कुछ इस तरह से बन रहा है, चेक करो हमने क्या क्या लिया है, हमने एडी साइड ली थी, हमने ये 1 प्लस 2 लिया है और हमने ए बी बराबर लिया था, इसका मतलब दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, हाँ प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड वाली, बस हो गया काम, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्वर्ट टू ट्राइंगल बी ए सी, और रीजन क्या आ गया साइड एंगल साइड, पहला पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, चेक कर लो बी डी और ए सी इसी ट्राइंगल की दो साइड तो नहीं है, चेक करो बी सी बी डी और ए सी, BD और AC बिल्कुल, तो BD बराबर AC डायरेक्टली क्या लिखूंगा CPCD, चेक करो 3 और 2 जो एंगल है इसी ट्रायंगल के दो एंगल तो नहीं है, ट्रायंगल ABD ABD में 3 आ रहा है और BAC में 2 आ रहा है, बिल्कुल इसी दो ट्रायंगल के ही एंगल है, आपने लिख दिया 3 is equal to 2 और रीजन का डाल दिया CPCD, तो ये लीजिए आपका ट्रायंगल भी कंफर्म हो गया, एंगल और साइड बराबर हो गया, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया।